नहीं, और भाजपा के प्रत्याशी सांसद पूर्व सांसद नवीन जिंदल आज जो है कैथल के भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचेंगे, यहां से चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहले से जुटे हुए हैं, विधायक लीलाराम और भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर जो है तैयारियों को लेकर के जायजा ले रहे हैं, और इससे पहले पूरे मंच सजा दिया गया है। भाजपा के भाजपा विधायक जो है लीलाराम से बात करेंगे कि क्या तैयारियां हुई। नमस्कार जी, ये तो हमारा कुरुक्षेत्र लोकसभा के जनता का सौभाग्य है कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी और उनके साथ आदरणीय पूर्व में सांसद रहे और भावी सांसद नवीन जिंदल जी उनके साथ आ रहे हैं, और पूरी कैथल जिले की जनता आज उनके स्वागत के लिए तत्पर है, तैयार है। तैयारियां पूरी कर रहे हैं? पूरी तैयारियां हैं, आपने देखा भी होगा कभी कमल में पहले भी पूरी स्वागत हुआ था जब नायब जी प्रदेश अध्यक्ष बन करके आए थे, आज उससे भी ज्यादा जोश से उनका स्वागत किया जाए। भाजपा ने नवीन जिंदल को प्रत्याशी बनाया है, कहां देखते हैं? पूरे हरियाणा नहीं कह सकता, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से नवीन जिंदल जी सांसद बन करके दिल्ली लोकसभा में जाएंगे, ये रिकॉर्ड होगा, और 4 जून को हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद भाई जी। हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर हैं, जो कल ही जो है होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री से मिलकर आए थे, उनसे बात करेंगे। नमस्कार विधायक प्रधान जी। नमस्कार जी। नमस्कार प्रधान जी, आज के कार्यक्रम की तैयारियां हैं उसके बारे में बताइए, क्या तैयारियां और कितने बजे तक सीएम आ सकते हैं? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ चंडीगढ़ मुख्यमंत्री निवास पर होली खेली, तो वहां पर मैं भी उपस्थित था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें यहां का कार्यक्रम दिया है, और जिसमें हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी और उनके साथ कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी भी उनके साथ यहां पर आ रहे हैं। दोनों का स्वागत सम्मान समारोह यहां पर रखा गया है, और बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहां से होगा, और चुनावी शंखनाद जो हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसके पश्चात सभी चार विधानसभाओं के हमारे लोकसभा क्षेत्र के निमित्त कार्यालय का उद्घाटन हुए, और आज हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर के श्री नवीन जिंदल जी हमारे मध्य में पहुंचने जा रहे हैं, और उनके साथ हमारे बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के तौर पर आज शिरकत करेंगे। उनका ये स्वागत सम्मान समारोह यहां पर रखा गया है, तो निश्चित तौर पर ये एक शंखनाद है, और यहां से फिर सभी कार्यकर्ता जी जान से अपनी मेहनत से लगन से मेहनत से हर घर पर जाकर के हर दहलीज पर जाकर के कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे, और अपने प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी को भारी मतों से विजयी दिला करके उसको लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। अशोक जी, अब तक 2 कैंडिडेट मैदान में थे, उसका कांग्रेस का जो आप और संयुक्त का कैंडिडेट है, और इसके अलावा इनेलो कैंडिडेट था, भाजपा कैंडिडेट नहीं आया था, तो किसे मुकाबला देखते हैं, क्या रहने वाला इस सीट पर मुकाबले? देखिए, मैंने इससे पहले भी जब हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो मैंने एक बात आपको कही थी मीडिया के माध्यम से कि जो ये इंडी अलायंस यानी कि घमंडिया गठबंधन का जो ये कैंडिडेट उतारा है, ये कहते हैं ये कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को उन्होंने मैदान में भेजा, तो मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी ही इसको चुनाव हराने का काम करेगी, और ये सबसे कमजोर कैंडिडेट साबित होगा, और आज आप देखते हो कि ये सबसे कमजोर कैंडिडेट इस लोकसभा का रहेगा, और मैं ये कहता हूं कि सेकंड जो भी कोई, देखो एक चुनाव के अंदर सभी पार्टिसिपेट करते हैं, तो सेकंड नंबर पर कोई ना कोई आता ही है, तो उसका मार्जिन लाखों में होगा, क्योंकि बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से विजयी होकर के लोकसभा में भेजने का काम यहां की जनता करेगी। संगठन के तौर पर बात करें तो आज जो कार्यक्रम में कोई नई ज्वाइनिंग भी है? नहीं, आज सिर्फ स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। ज्वाइनिंग का क्रम आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में समय समय पर विभिन्न पार्टियों को छोड़कर के बहुत से नेता कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो जिला पार्षद हैं, चाहे वो पूर्व में उनके पास कोई दायित्व रहा है, अन्य पार्टियों के हैं, वो समय समय पर मीडिया के माध्यम से उन्होंने ज्वाइन भी किया है, और अभी जैसे पुंडरी में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम, वहां पर हमारे पूर्व नगर पालिका के जो चेयरमैन रहे हैं बोबी सैनी जी, उन्होंने 700-800 कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और उसमें सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी को ज्वाइन किया, कई सरपंचों ने ज्वाइन किया, और माननीय हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का 24 तारीख को जो यहां पर
एक सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम था, उसमें हमारे कैथल जिले के बहुत बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ नेताओं ने अन्य पार्टियों को छोड़कर के भाजपा में वो शामिल हुए, तो निश्चित तौर पर ये क्रम जो है वो निरंतर चलता रहेगा। और आप देखेंगे कि विपक्ष नाम की चीज यहाँ पर कोई नहीं है। आज आप देखेंगे कि जो कैंडिडेट विपक्षी पार्टियों ने मैदान में उतारे हैं वो आज वोट मांगने के लिए नहीं जाते, आज वो धरने प्रदर्शन करते हुए आपको सड़कों पर ऐसे बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है, जनता ने उनको जवाब दे दिया। धन्यवाद अशोक जी। तो ये हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर और विधायक लीलाराम, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। आपको बता दें कि नायब सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कैथल भाजपा जिला कार्यालय में पहुंच रहे हैं, जहां कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं और भारी संख्या में भीड़ उमड़ने की संभावना है। हम यहां पर जो सुरक्षा दृष्टि से डीएसपी नायब जी से डीएसपी से बात करेंगे, क्या व्यवस्था है सर? नमस्कार सर। हाँ जी, यहाँ आज सीएम साहब अपने जिला कार्यालय में पहुँच रहे हैं और यहाँ जो बीजेपी के जो लोकसभा के प्रत्याशी है नवीन जिंदल जी, वह भी यहाँ पधार रहे हैं। तो इस संबंध में हमें सुरक्षा के उपाय किए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ अपनी फोर्स लगा चुके हैं और किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना। अभी लाइव सूचना चल रही है, लाइव सूचना जा रही है, जो यहाँ लोग आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि इस तरह से यहाँ आए तो किन किन बातों का ध्यान रखें? वे आए शांतिप्रिय यहाँ बैठे और अपने नेताजी के और सिंह साहब के अपने विचार सुने और शांति बनाए रखें। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं जो है पुलिस सुरक्षा भी जो है यहाँ कड़ी की गई है और मुख्यमंत्री पहली बार कैथल आ रहे हैं। अब नायब सैनी सांसद हैं, लगातार यहां आते रहे हैं, पर बतौर सीएम वे यहां पहली बार पहुंच रहे हैं। हम आपको जो है पूरे कार्यक्रम की लगातार अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए कैथल खबर के साथ। तो जो ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको, भाजपा के कपिल कमल कार्यालय की दिखाई जा रही हैं, जहां आपको बता दें कि सीएम जो नायब सैनी यहां पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए जो तैयारियां हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भाजपा का कार्यालय यहां पूरी तरह से सज गया है और पूरी तरह से आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से चहल पहल भी, आज काफी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं। और अगर मैं सुरक्षा के इंतजामों की बात करूं तो पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि सीएम नायब सैनी आज यहां कैथल में पहुंचेंगे और उसके सम्मान समारोह में भाजपा का जो कपिल कमल कार्यालय है वो पूरी तरह से सज गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। अभी आपको बता दें कि लगभग एक डेढ़ घंटा बाद सीएम नायब सैनी और जो नवीन जिंदल है, जो भाजपा के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी हैं, वो यहां पहुंचेंगे और उनका सम्मान समारोह है जो यहां किया जाएगा। तो उससे पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भाजपा के कपिल कमल कार्यालय में यहां तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह से सजाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही यहां पहुंच गए थे और किस तरह से जो तैयारियां की जा रही। तो ये थी अब तक की अपडेट। भाजपा के जो जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सीएम का सम्मान समारोह किया जाएगा, साथ ही विधायक लीलाराम जी ने भी बताया कि किस तरह से तैयारियां जो चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेन स्टेज यहां बनाई गई है, जहां से सीएम का संबोधन होगा और जो तमाम जो नेता है वो यहां बैठेंगे और किस तरह से आप देख भी सकते हैं कि पूरी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। तो जैसे ही सीएम यहां आएंगे या नवीन जिंदल भी यहां पहुंचेंगे तो लगातार